हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले बीईटी, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। ओके, तो ये जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट है, ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है। ओके, उसको क्या मिलती है, बैक्टेरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। ओके, बीईटी मीन्स क्या, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। तो टॉक्सिन्स मींस क्या होता है, पॉइजनस होता है, पॉइजनस। ओके, और पॉइजन होता है। तो इसमें जो बैक्टीरियल रहता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसका डिटेक्शन करते हैं। ओके, तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं और किस प्रकार परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखो, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, ये जो टॉक्सिन होता है, ये पॉइजनस होता है, ये हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। ओके, तो इसमें जब प्रोडक्ट में इंडोटॉक्सिन होता है, तो प्रोडक्ट में इंडोटॉक्सिन होने के कारण जो प्रोडक्ट बाहर गया, ह्यूमन को हार्मफुल होता है, इन्फेक्शियस होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम, बीईटी करना जरूरी होता है। जब बीईटी पास होता है तो ही बैच को आगे प्रोसीड किया जाता है। तो देखो क्या होता है, बीईटी बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट में जो बैक्टीरियल रहता है, बैक्टीरिया लगभग दो तरह के टॉक्सिन तैयार करता है, और दो टाइप्स के उसमें टॉक्सिन तैयार होते हैं। पहला जो होता है एंडोटॉक्सिन, और दूसरा जो होता है एक्सोटॉक्सिन। तो ये जो है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, ये जो एंडो मीन्स सेल के इनसाइड, ओके, और एक्सो मीन्स क्या, सेल के बाहर, सेल्स के आउटर साइड। ओके, तो इसीलिए उसको जो टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया है, ओके, ये बैक्टीरिया सेल के इनसाइड जब टॉक्सिन तैयार करता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइट। और जो सेल के बाहर तैयार करता है और भेजता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइट। तो देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं, ओके, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्सोसाइट और एक्सोटॉक्सिन तैयार करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन तैयार करते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें मेनली क्या होता है, ये देखो, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तैयार करते हैं। इसमें जो एंडोटॉक्सिन होता है, वो आउटर जो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, ये एज अ टॉक्सिन एक्ट करता है, और जो एक्सोटॉक्सिन होता है, ये सेल के इनसाइड प्रोटीन, सेल प्रोटीन क्या होता है, यहां पे प्रिपेयर होता है और सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस, फिर उसको क्या किया जाता है, आउटर साइड को उसको भेजा जाता है, आउटर साइड को उसको भेजा जाता है, जो मीडियम होता है उसमें उसको भेज दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स होता है और ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स मेनली थर्मोस्टेटिक होते हैं। ये हायर टेम्परेचर को भी ये क्या होता है, स्टेबल रहते हैं, और वो वाटर सोल्युबल भी होते हैं। और जो एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स जो रहते हैं, वो हीट लायबल रहते हैं और वाटर सोल्युबल। ये मेनली डिफरेंस आता है। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ये पायरोजेनिसिटी
शो करते हैं और एक्सोटॉक्सिन्स क्या है वो ओकेजनली शो करते हैं। तो पायरोजेनेसिटी ये क्या होती है? पायरोजेनेसिटी देखो, पायरोजेनेसिटी पायरोजेनिटी ही टेस्ट होती है। ये टेस्ट क्या होती है? यहां पे देखो, जब एक आधा सब्सटेंट होता है, ये सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में जाता है, और उसको इंजेक्ट किया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब उसका टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होता है? पायरोजेनेटिक और पायरोजेनेसिटी क्या होता है? शो करता है, और पायरोजेनेटिक होता है मींस जो ऐसा कौन सा भी सब्सटेंस हो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर गया और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये पायरोजेनेटिक होता है। ओके, तो जो एंडोटॉक्सिन होता है, एंडोटॉक्सिन ये मेनली पायरोजेनेसिटी शो करता है, और एक्सोटॉक्सिन क्या करता है? ये ओकेजनली शो करता है। ये क्या करता है? ओकेजनली शो करता है। तो इस प्रकार क्या होता है? पायरोजेनेटी टेस्ट भी यहाँ पे होता है। तो देखो, जो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन होता है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? बीईटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो एंडोटॉक्सिन जो है, बीईटी टेस्ट का एंडोटॉक्सिन, उसको हम प्रायोरली क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं जो भी कुछ प्रोडक्ट होता है उसमें। तो देखो, जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट होती है उसको LAL टेस्ट भी कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म है ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, जो टेस्ट में हम एक्टिवेटेड प्रोटीन्स और एक्टिवेटेड सब्सटेंसेस जो यूज करते हैं, रिजल्ट्स जो यूज करते हैं, वो ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट होता है। इसीलिए बीईटी को हम लाल और ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट भी कहते हैं। ये दोनों टेस्ट एक ही होते हैं, मगर उसका रिएजेंट्स के बेसिस पे उसको ये नाम दिया गया है, और इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं इसके बेसिस पे उसको ये नाम दिया गया है। तो ये दोनों एक ही टेस्ट होती है, ये पहले समझ लो। तो ये ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट जो होता है, ये क्रैप ब्लड जो होता है, जो अमीबोसाइट होता है, ये क्रैप ब्लड जो होता है, क्रैप ब्लड से ये क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये क्या होता है? एक्टिवेटेड सब्सटेंस होता है। और जो लाइसेट होता है, लाइसेट को जो प्लाज्मा होता है, अमीबोसाइट का प्लाज्मा सेपरेट करके उसको प्रिपेयर किया जाता है। ये इस प्रकार तैयार होता है। तो देखो, ये जो बीईटी में क्या होता है, मेनली जो हमारा सैंपल होता है, उसमें हमने ये रिएजेंट डाला, तो जो जो सैंपल होता है उस सैंपल में अगर टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट आ गया मीन्स पीपीटी जो आ गई और जेल फॉर्मेशन हो गया, तो उसमें क्या होता है? उसमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंस है, ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अगर ये नहीं आता तो इसमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। तो ये फिर किस प्रकार उसका रिएक्शन कैस्केड किस प्रकार होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, अभी यहाँ पे जेल फॉर्मेशन होता है, तो रिएक्शन कैस्केड हम उसका देखते हैं।
उसका ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, तो उसका रिएक्शन कैस्केड क्या होता है, देखो यहां पे जो फैक्टर फैक्टर सी होता है वो इनएक्टिवेटेड रहता है, बराबर। ये इनएक्टिवेटेड फैक्टर सी को कौन एक्टिवेट करता है, यहां पे बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन यहां पे उसको क्या करता है, फैक्टर सी को एक्टिवेट करता है, फैक्टर सी को यहां पे उसने क्या किया, एक्टिवेट किया, और फिर ये फैक्टर सी क्या करता है, फैक्टर बी को एक्टिवेट करता है, फैक्टर बी को यहां पे क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है फैक्टर बी, यहां पे क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, बराबर। तो यहां पे क्या होता है, जो फैक्टर जी रहता है, ये जो रिएक्शन कैस्केड है, यहां पे मैं बता रहा हूं, जो फैक्टर जी रहता है, तो यहां पे जो फंगल सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल से जो बीटा डी ग्लूकैन जो रहता है, ग्लूकैन यहां पे फैक्टर जी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, फैक्टर जी को यहां पे उसको एक्टिवेट किया, बराबर। फैक्टर जी को उसको एक्टिवेट करने के बाद यहां पे क्या होता है, फैक्टर बी और फैक्टर जी मिलाकर प्रीक्लॉटिंग एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फैक्टर बी और फैक्टर जी मिला के प्रीक्लॉटिंग जो एंजाइम होता है, प्रीक्लॉटिंग एंजाइम उसको क्या करते हैं, यहां पे क्लॉटिंग एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड, ओके। फिर ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग एंजाइम क्या करता है, कोएगुलेज को ये क्लॉटिंग एंजाइम क्या करता है, कोलेजन को ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग एंजाइम क्या करता है, कोलेजन को कोयागुलिन में कन्वर्ट करता है, और यहां पे क्या होता है, जेल फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको यहां पे ड्रॉ करके बताया था, यहां पे जेल फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये रिएक्शन कैस्केड इस प्रकार होता है। तो ये जो उसके जो सब मेथड होते हैं, अगर अभी ये जो बीईटी होती है, बीईटी के सब मेथड्स होते हैं, तो मैं सब मेथड्स के आपको नाम यहां पे लिख के देता हूं, सब मेथड्स जो होते हैं, जेल क्लॉट ऐसे, उसके बाद सेकंड वाला जो होता है टर्बिडोमेट्री, टर्बिडोमेट्री कैसे, और तीसरा वाला जो होता है क्रोमोजेनिक ऐसे, क्रोमोजेनिक ऐसे। तो ये जो जेल प्लॉट ऐसे जो होता है, जेल प्लॉट ऐसे में क्या होता है, ये जेल फॉर्मेशन होता है, और इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट है, सिर्फ यहां पे क्या डिटेक्शन होता है, एंडोटॉक्सिन है या नहीं है, ओके। यहां पे सिर्फ क्वालिटेटिव ये टेस्ट है, और ये दोनों जो होती है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव, अगर हमको एंडोटॉक्सिन की क्वांटिटी जानना है, तो हमें टर्बिडोमेट्रिक ऐसे और क्रोमोजेनिक ऐसे को फॉलो करना होगा, और ये ऐसे करना जरूरी होता है। अगर हमें सिर्फ क्वालिटी चेक करनी है, उसमें बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन है या नहीं है, तो उसको हमें सिर्फ जेल प्लॉट ऐसे से हम पता कर सकते हैं, मगर क्वालिटी क्वांटिटी चेक करनी होगी, तो हमें ये टर्बिडोमेट्रिक ऐसे, नहीं तो
क्रोमोजेनिक ऐसे करना जरूरी होता है। तो ये सब होता है बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन टेस्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।